हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको डिलीवरी के बाद लटका हुआ पेट अंदर किस तरह करना है ये बताने जा रही हूँ। इसके लिए आपको ये बेल्ट लेना है। आप ये बेल्ट कहाँ से परचेस कर सकते हैं, आपको चेज इम्तियाज या राज.pk से ईज़िली मिल जाएगा, ठीक है, और कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, ठीक है, आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं। आप इसको डिलीवरी से पहले परचेज़ करने से ज़्यादा बेटर है। नॉर्मल डिलीवरी वालों के लिए तो कोई मसला नहीं है, आप इसको डिलीवरी के फ़ौरन बाद पहनना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सी सेक्शन वाले आप 40 डेज वेट कर लें, उसके बाद आप इसको वेयर करना स्टार्ट कर दें, ठीक है, और एटलीस्ट 3 मंथ्स तक पहनिए। 3 मंथ्स के अंदर ही आपको ज़्यादा रिजल्ट मिल जाएंगे। उसके बाद भी अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसको आप सुबह 8 बजे पहन लीजिए और रात को 8 बजे उतार दीजिए। सोते हुए नहीं पहनना है, ठीक है, याद रहे, सोते हुए नहीं पहनना है। सुबह 8 बजे पहनेंगे और रात को 8 बजे उतार देंगे, ठीक है। अगर आप चाहें तो कोई फैट बर्निंग क्रीम या फैट बर्निंग ऑयल भी लगा सकते हैं। फैट बर्निंग ऑयल बनाना भी मैं आपको अपने आने वाले वीडियोस में सिखाऊंगी, ठीक है, कि आप घर पे किस तरह फैट बर्निंग ऑयल बना सकते हैं और उसको अपने बेले पे लगा कर ये बेल्ट वेयर कर सकते हैं, ठीक है। बहरहाल अगर आप चाहें तो इसको सादा भी पहन सकते हैं, उससे भी आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर आप फैट बर्निंग क्रीम या फैट बर्निंग ऑयल लगाएंगे तो और जल्दी रिज़ल्ट आएंगे, ठीक है। उसको अच्छी तरह से मसाज करके आप ये बेल्ट पहन लीजिए तो फिर ज़्यादा अच्छा है, वरना इसको आप ऐसे भी पहन सकते हैं। इसमें डिफरेंट हुक्स दिए हुए हैं, आपको जो हुक जिसमें एडजस्ट हो रहा हो आप वो पहनेंगे। शुरू में भी ऐसा हो सकता है आपको फर्स्ट में एडजस्ट हो, फिर देन सेकंड में आएगा और देन थर्ड में, जैसे जैसे आपका पेट अंदर जाना शुरू हो जाएगा। आप ज़बरदस्ती नहीं करिएगा, अगर आपको थर्ड में नहीं आ रहा तो ये नहीं कि आप बिल्कुल थर्ड में पहनना मतलब स्टार्ट कर दें, नहीं, शुरू में ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट में देन सेकंड में एंड देन थर्ड में, ठीक है। इस तरह से आपका पेट अंदर होना शुरू हो जाएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रेगनेंसी के बाद अपना वज़न किस तरह से कम कर सकते हैं और प्रेगनेंसी के बाद जो बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है उसको किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगी। लेकिन इसके लिए आपको मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है। तो मैं आपके लिए बहुत सारी ऐसी वीडियोस लेकर आऊँगी जो डिलीवरी के बाद आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, ठीक है, और अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है, ऐसी तमाम चीज़ें अवॉइड करनी है जो वेट बढ़ाने का बायस बनती हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो है वो आप खाना पीना खाएं क्योंकि आप अपने बेबी को फीड करा रहे हैं, ठीक है, तो खाने पीने का अपना ख्याल रखना है, लेकिन उन चीज़ों को कोशिश करें अवॉइड करें जो वेट बढ़ाने का बायस बनती है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगी। खुदा हाफिज़।